मोक्ष के लिए। गिरनार जी के चरणों में बारंबार वंदन नमन और आप सभी को सादर देते हैं। आज सिर्फ एक विषय छोटा सा रखेंगे, बाकी किसी इतिहास को ज्यादा नहीं बताएंगे क्योंकि कई केस चल रहे हैं, उनको खोलने की बात नहीं करेंगे। 13 जुलाई निर्वाण लाडू चढ़ाना है, बस इसके बारे में। यह बात जनवरी से चल रही है। अब महेश गिरी ने जो बयान दिया है आप लोगों ने कईयों ने सुन लिया है, उसमें तीन बातें हमें विरोध करनी है जो मुख्य रूप से आती है। पहला, उसने ये कहा कि 2019 में जब डीसी ने रोक दिया था उसके बाद लड्डू चढ़ाने की बात नहीं आनी चाहिए। कब तक? जब तक हाईकोर्ट उसका निर्णय नहीं दे देता। 2019 में जब डीसी ने रोका था तब एक कारण था कि वहां कॉर्पोरेट इलेक्शन थे कॉर्पोरेशन के, तो उसने साफ कहा था कि निगम के चुनाव हैं, आचार संहिता लगी है, इसलिए हम लड्डू चढ़ाना नहीं देना चाहते, और हमारी कमेटियों ने मान लिया। लेकिन दैट वॉज ओनली फॉर 2019। 20 में कोरोना आ गया, वो आ गया, बातें हो गई और हम लोग ढीले पड़ गए। क्यों पड़ गए मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अब हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं। हमें तीन तरह से राइट मिला हुआ है। संविधान ने राइट दिया है हमें कि हम अपने पूजा क्षेत्र पर हम अपने रूप में अपनी पद्धति से दर्शन कर सकते हैं। 17 फरवरी 2005 हाईकोर्ट का ऑर्डर है, चाहे उसमें दत्तात्रेय के हों, चाहे नेमीनाथ के हों, चाहे पर्यटक हो, जैसा भाई साहब बता रहे हैं संजय भाई, हम सबको अधिकार है अपनी अपनी पद्धति से दर्शन पूजा करने का। हम कोई नई मांग नहीं मांग रहे हैं उससे, हम सिर्फ ताली छोड़ ताली नहीं, हम सब सिर्फ वही बात कर रहे हैं आपसे जो कोर्ट ने कहा है, और उसको कोर्ट की बात को मानने का अधिकार हम सब का है, और उसको पूरा करने के लिए जिम्मेदारी है डीसी की और एसपी की। अब की बार इतना प्रण रख लीजिए कि जैसे हम यहां बैठे हैं ना, अगर ऐसे 100-200 हम डीसी के कार्यालय लेके 2 दिन बैठ जाएंगे ना तो हमें परमिशन मिलनी चाहिए। नहीं मिलेगी तो भी सफलता मिलेगी, मत सोचिए कि हार हो जाएगी। एक बार ठान लो, मान लो, फिर जीत निश्चित हो जाती है, पक्की बात है। एक बार पक्की बात करनी होगी कि जैसे हम दिल्ली में बैठते हैं ऐसे 50 और 150 हम ऐसे हो जाए कि हम वहां भी बैठ जाएंगे। जितनी मली गाली मिले, थप्पड़ पड़े, डंडा पड़े, कुछ भी पड़े, पर हिम्मत रखनी होगी, कदम पीछे नहीं हटाएंगे। उसमें मैं तैयार हूं सबसे पहले। आप में से कितने होंगे मुझे मंजूर नहीं, क्योंकि यहां की गिनती दिल्ली की बड़ी कमजोर है। 162 नोएडा में इतना हो गया और हम सब डरपोक यहीं बैठे हैं कि 500 लोग वहां खड़े हो गए, थाने के आगे खड़े नहीं हो पाए। बड़ी कमजोर बात है दिल्ली के अंदर ये कि दिल्ली के सामने ऐसा हो गया, और हम बात करते हैं हम गिरनार और शिखर की बता लेंगे। मुझे अफसोस ये होता है दिल्ली में बोलने की बात कि 162 में 40 उपद्रवी आ गए। अगर आज हमने वहां नहीं रोका ना तो जैन समाज के साधु कहीं विघार नहीं कर पाएंगे। सेक्टर 50 में पिछले महीने पिछले साल हुआ, और इस बार 162 में हुआ है। पूरा नोएडा बेल्ट हमारे साधु से हट जाएगा अगर दिल्ली वाले इतने कमजोर लानत हो जाती है अपने ऊपर ये कहने की हम खड़े नहीं हो पाए। उस दिन हम कहीं संडे हुए थे, हम जब मोटरसाइकिल सब रोक दिया गया, हमारे जैन समाज लोगों ने रोक दिया, मत जाओ, रहने दो भाई साहब, हाथ जोड़ते हैं हमसे। मतलब हमारे इतने कमजोर हम लोग आपस में, अफसोस होता है इस बात। खैर, महेश गिरी जी की दूसरी बात, हमें कहते हैं कि हिंसा मत भड़काओ। उन्होंने अपनी बात से दो बातें करी हैं, हमें भड़काया है कि हम आंदोलित हों जिससे कि हम कोई हिंसा की बात करें तो वहां पर ऐसी स्थिति हो जाए कि सरकार प्रशासन कह दे कि यहां पर लाडू नहीं चढ़ सकते। दूसरा, उन्होंने अपने बयान से दबाव इतना दिया है डीसी और एसपी को कि हम इतने साधु हैं, हमारी विहिप है, वीएचपी हमारे साथ है। वीएचपी से अलग बात चल रही है, आपको बता दूं सूरत में चल रही है बात, शायद कुछ चल जाए कि वह आना करे। अगर इस पर हम ठान लेते हैं, एसपी और डीसी किसी हालत में हाई कोर्ट के ऑर्डर को बदल नहीं सकते, रोक नहीं सकते, बशर्ते हम वापस ले लें अपनी तरफ से कि हम लिख करते थे हाँ हम तैयार हैं, हम लागू नहीं चलाना चाहते। नहीं तो अब की बार इतनी आसपास हो गई है बात कि डीसी एसपी को मानना पड़ेगा। हमने जो रोज मीटिंग हो रही है एनसीएम से, अभी भी 2:30 बजे है, कि चाहे हमारा एक आदमी लाडू चढ़ाए, चाहे 5 चढ़ाए, चाहे 11 चढ़ाए, तुम्हारे पास सिक्योरिटी देने की कितनी ताकत है? तुमको हमारे पास एक आदमी की ताकत है बस, तो हम एक ही चढ़ाएंगे। तुम्हारे पास 11 की, बताओ सही गुजरात पुलिस में ताकत कितनी है कि सिक्योरिटी दे सकती है वो हमारे को? हम सिर्फ इतनी मांग कर रहे हैं, ये हमारी एनसीएम से आ जाए। शायद आज जूम मीटिंग होगी, अगर आज उन्होंने कोई भाना मार दिया तो कल सुबह होगी। इस बार हमें फैसला करना है। 3 क्षेत्र कमेटी इसलिए तैयार है, अभी सुबह मीटिंग हमने करी है उसके बारे में। संजय भाई से कल बात कही थी तो उन्होंने कहा हम तैयार हैं, बशर्ते हम कोई आंदोलन और हिंसा नहीं करें। हम जाएंगे, अपनी आवाज देंगे, हम कहेंगे हमारा अधिकार है, हमें संविधान में राइट मिला है, हमें 17 फरवरी 2005 के निर्णय में मिला है, और हम वहां लाडू चढ़ाना चाहते हैं। तो एक बात ये रखिएगा, आप में से संजय भाई को दे दीजिए, आप जो में तैयार हो जाने को। 12 जुलाई में ज्यादा दौड़ नहीं है, आज तृतीय हो गई है, 2 दिन चतुर्थी, पंच छठी, 4 दिन है बीच में आपके पास। अपनी मांग नहीं कर रहे हम, कह रहे हैं जो अदालत का निर्णय है वह इंप्लीमेंट होना चाहिए। बात सही है सीसीटीवी टीवी,
क्यों नहीं सीसीटीवी लगते? वैष्णो देवी डायरेक्ट टेलीकास्ट हो जाता है, महाकाल हो जाता है, तो यहाँ पर गिरनार में दत्तात्रेय क्यों नहीं होता? हम तो कहते हैं दत्तात्रेय ही त्रया करो, तो एक बार मालूम चले दूध में दूध कितना है, पानी कितना है, कितने वफादारी करते हो और कितनी दुख भरी करते हो, ये अपने आप सबके सामने आ जाएगा। लेकिन करें तो सही, तो इसलिए इस बात से इतना ही करें कि अबे हमें हिम्मत नहीं हारनी। अगर आपको जीतते जीतते मंजिल दूर रह जाए तो भी मत हार मानना, अगर एक बार कोशिश करोगे, कोशिश करते रहोगे तो कहते हैं पत्थर में भी लकीर पड़ जाती है। और सही कहा भाई साहब ने कि पत्थर किस चोट से गिर टूटता है यह पता नहीं चलता है, पर आपको चोट करते रहना होगा और बारह चले की कोशिश करिए, धरने के लिए तैयार हो, जाने को तैयार हो। वे दिल्ली वालों पर विश्वास कम होता है, करें तो मजबूती से करिए, वादा रहा हम आपके साथ होंगे, आपसे आगे खड़े होंगे। सागर जय। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें व इस वीडियो को लाइक कमेंट व शेयर अवश्य करें।